हेलो एवरीवन आई एम जयंती एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एडू कॉर्नर जैसा कि मैंने लास्ट डे बताया था कि uh, मेरा जो अगला वीडियो होगा वो कांस्टेबल uh, के फिजिकल को लेके होगा तो आज हम लोग बात करें कि कैसे फिजिकल का तैयारी करना है क्या आपको करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए तो मैंने uh, जो फिजिकल का जब प्रिपरेशन शुरू किया था तो मैंने एक ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया था पांडे ट्रेनिंग सेंटर तो आप लोगों को भी अगर पॉसिबल हो तो आप लोग भी किसी ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो अच्छा रहेगा क्योंकि क्या होता है कि ट्रेनिंग सेंटर में सारे प्रोफेशनल्स होते हैं आप लोगों को अच्छे से सिखाएंगे कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है तो ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना बेहतर रहेगा अगर किसी कारण से, से आप लोग ट्रेनिंग सेंटर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो आप लोग खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हो लेकिन उसमें कुछ कुछ सावधानियाँ आपको रखनी पड़ेंगी तो फिजिकल को लेके भी मैं आगे वीडियो लाते रहूँगी रनिंग को लेके, एवरीथिंग, सारे चीज़ों को लेके मैं वीडियो लाती रहूँगी तो सबसे पहली बात ये है कि अभी दो महीने हैं लगभग आप लोगों का जैसा कि नोटिस में था कि जनवरी के लास्ट वीक में आप लोगों का फिजिकल संभावित है तो दो महीने हैं आप लोगों के पास दो महीने काफ़ी होते हैं फिजिकल के प्रिपरेशन के लिए तो आप लोग अभी से लग जाओ अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग फिजिकल शुरू करते हैं खासकर उन लोगों के लिए जिनको इन सब चीज़ों का आदत नहीं है तो जब फिजिकल हम लोग शुरू करते हैं तो परेशानी यह होता है कि एक ही दिन में हम लोग चाहते हैं कि सारा टारगेट पूरा हो जाए हम लोग रनिंग भी टाइम पे कर लें और सारा कुछ कर लें तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है जैसे कि आप लोग अभी से प्रिपरेशन शुरू ही कर रहे हैं तो मेरे साथ भी यही होता था कि जब प्रिपरेशन मैंने शुरू किया था तो स्टार्टिंग में रनिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हर एक चीज़ में प्रॉब्लम होता है तो उससे पैनिक होने की बिल्कुल भी, भी ज़रूरत नहीं है आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो धीरे धीरे करके ही रनिंग का आपका स्टेमिना जो है वो बढ़ेगा और ये फ़िजिकल एक्टिविटी है तो धीरे धीरे ही आपका इफ़िसंसी भी बढ़ेगा तो इसको लेकर पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है कि जो भी फिजिकल एक्टिविटी आप लोग कर रहे हो वो बहुत सावधानी से करना है ये नहीं कि प्रैक्टिस करने के चक्कर में इतना प्रैक्टिस कर लिए कि इंजरी आ गया या अम, मतलब अभी हाथ पैर बचा के रखना है फिजिकल तक दूसरी बात जो आप लोगों को ध्यान में रखना है वो है आप लोगों का डाइट क्योंकि आप रनिंग कर रहे हो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आप लोगों को अपने डाइट का पूरा ख्याल रखना है अच्छे से डाइट लेना है इसके अलावा आ, Uh, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि आप लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो रेगुलर uh, आप लोग प्रैक्टिस करो तो रेगुलर प्रैक्टिस करने के दौरान क्या होता है मैंने लोगों को देखा है कि हर रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसके कारण uh, उन लोगों का परफॉर्मेंस जो है एक ही जगह रुक जाता है और बढ़ नहीं पाता है तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है आप लोगों को क्या करना है कि रेगुलरली प्रैक्टिस तो करना ही है uh, बीच बीच में एक दिन आप लोग ब्रेक भी ले सकते हैं जिससे हमारे बॉडी को टाइम मिले आ, फिर से आ, एनर्जी लाने का तो इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए आगे मैं आप लोगों के फिजिकल एक्टिविटी को लेके वीडियोज़ लाती रहूँगी कि घर पे आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो सो कीप वाचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब